अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नूरी और आज की वीडियो है शॉपिंग हॉल वीडियो, यूडीसी यूनाइटेड डिस्काउंट सेंटर अगेन। जल्दी से हम कुछ चीज़ें लेकर आए थे, मैं और नोआ। असल मुझे टेलर पे जाना था और कल और परसों बारिश की प्रेडिक्शन है, स्ट्रॉन्ग तूफान वगैरह। तो इससे पहले पहले आप अपने जो भी काम कर सकते करने वाले हो कर लें। और थर्ड मई को ही बर्थडे है, इनविटेशन है बर्थडे की नोआ को। तो मुश्किल लग रहा है जाना क्योंकि शारजा सिटी सेंटर, डेरा सिटी सेंटर में, तो मुश्किल लग रहा है मुझे तो। खैर, लेकिन फिर भी गिफ्ट्स वगैरह जो मैंने लिए थे वो व्लॉग में मैं दिखा दूँगी। और उसकी पैकिंग भी करनी है, गिफ्ट रैप करने हैं, बैग लेना था, तो इस वजह से मैं गई थी। अगर थर्ड को नहीं भिजा सके तो बाद में कभी दे देंगे गिफ्ट, और ये ज़रूरी चीज़ें थी। और टेलर पे जाना था क्योंकि टेलर को मैंने अपना अबाया, एक लेंथ उसकी बड़ी थी, आस्तीन खुली थी। ये अबाया और वो ब्लैक वाला अबाया सेम टू सेम बिल्कुल, देखिए यहाँ से इस तरह की ये है और इसमें पॉकेट्स भी है, आस्तीन है इसकी, देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, उसकी तो बहुत ज़्यादा लूज़ थी, हालांकि साइज़ सेम है दोनों का और शीन से ऑर्डर किए थे मैंने। इसके साथ मैचिंग का स्कार्फ है जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, लेकिन चलें ऊपर नीचे थोड़ा 15-20 बहुत फ़र्क है, लेकिन ठीक लग रहा है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे सलमान को असल में कुछ काम था, यही बारिश की वजह से जल्दी जल्दी सब अपने काम निपटा रहे, क्योंकि 2 दिन घर में बैठना होगा, फिर उसके 2 दिन तो बारिश है, उसके बाद भी बाहर निकला जा सकता है या नहीं कुछ नहीं पता। तो घर आती मैंने ग्रॉसरी मंगवाई है ऑनलाइन, ठीक है 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे से ऊपर भी लग सकता है, लेकिन आज ही पहुँच जाएगी। कारफोर से ग्रॉसरी मंगवाई और क्या चीज़ें रह गई थी काम की, पानी आ गए थे आज सुबह, पानी आ गया था, परसों भी आ गया था, पैम्पर्स और सारा कुछ, ये सब। पिछली दफ़ा पैम्पर ख़त्म हो गए थे नोआ के, हालांकि हमने ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन बारिश के बाद 5 दिन डिलीवरीज बंद रही थी। फर्स्ट क्राई से भी कोई चीज़ें नहीं आई और अमेज़ॉन प्राइम से भी कुछ नहीं आया, एंड और कहाँ से हमने ऑर्डर किया था कुछ नहीं, हम करना चाह रहे थे वो तलबत वगैरह फूड डिलीवरीज, वो भी नहीं हो रही थी, कुछ भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही थी। इसलिए हमने इस दफ़ा सोचा सारी ग्रॉसरीज आपके घर में हो। यहाँ पर बोल भी दिया है कि अब जो भी सौदा वगैरह है अपना स्टॉक अप करके रख लें। ओह माय गॉड, कारफोर में ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगाते वो कोड डालना था स्टॉक अप, और मुझे अब याद आया बोलते ही थोड़े पैसे बच जाते हैं। ये कोड डालती ना तो कुछ डिडक्शन हो जाती जो बिल बना उसमें से। चलें खैर, अब तो मंगवा दिया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ गिफ्ट वगैरह। इस वक्त नोआ साहब सो रहे हैं, हम आ गए थे 1 घंटे के अंदर अंदर ही आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए थे, और क्योंकि नोआ का सोने का टाइम हो गया था तो इसे जल्दी आना था। ये एक गिफ्ट रैप ये है, आई डोंट नो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा है या कम है, पता नहीं, पतले से रोल लग रहे हैं। देखिए अब मुझे लगता है मुझे ना रिंग लाइट ऑन कर लेनी चाहिए, वेट अब ठीक है, अब रोशनी अच्छी आ रही है, क्योंकि ना चीज़ें मैं दिखा रही थी तो उसमें ना मुझे खुद सही नज़र नहीं आ रहा, कैमरा टेढ़ा मेरा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ अब सही है ना, यस। तो ये है 350 का, और इसमें इस रोल में देखिए मुझे सही समझ नहीं आया कि कम ना हो जाए ना गिफ्ट रैप करते हुए, तो लाइक इसलिए मैंने एक पिंक भी लिया है 350। और वैसे तो बच्चों को इसी ऐसी ईद वगैरह पे जो गिफ्ट वगैरह देते हैं वो मैं ऐसी गिफ्ट बैग में डाल के दे देती हूँ, लेकिन बर्थडे वाला जो होता है ना सीन, वो उसमें गिफ्ट सारे जमा हो जाते हैं एक साथ, तो और भी दूसरे बच्चे होते हैं तो वो एक्साइटेड होके कुछ या अपनी मस्तियों में खोल ना दें, ये चीज़ है देख कर एक्साइटमेंट में ना, तो इस वजह से गिफ्ट इस तरह रैप ही अच्छा लगता है। और ये ब्लैक मिल गया है, इसकी भी सेम प्राइस होगी, 350 प्राइस है। यस, और मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि नोआ साहब सो रहे हैं, अगर उसको आवाज़ आ गई मैं रूम का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। और ये एक बैग यहाँ है बहुत बड़ा सा, ब्लैक में भी था, गोल्डन में भी था, और ये वाइट पे गोल्डन लाइंस हैं, गोल्डन लाइंस तो सब में है लेकिन कलर्स जो थे ना नज़र क्यों नहीं आ रही है। अब आ रहा है, नहीं आ रहा, ओ इधर है ही नहीं गोल्डन, इस तरफ गोल्डन है ही, हमें गोल्डन है यार, गॉड मुझे यहाँ से नजर आ रहा है यहाँ गोल्डन है, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखें कितना क्लियर नज़र आ रहा है। ये वाला गोल्डन साइड इस तरह का
ये गोल्डन लाइंस तो बॉक्सेस जो बने हुए हैं, ये चेक्स, ये तो सब में थे। ब्लैक बैग पे भी था और गोल्डन बैग पे भी गोल्डन था। गोल्डन थोड़ा डस्टी गोल्डन था वो, और वाइट पे मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बड़ा सा बैग है और 550 का है ये, 550 सलामत है ना ये मेरे कप। 3 पीस कप मग्स, लाइक बहुत बड़े भी नहीं है, जो मग होते हैं घर में हमारे पास बहुत बड़े हैं। 695 का है ये। इस तरह के सेट्स थे अलग अलग डिज़ाइंस के, मैंने ये लिया है। अब ना इतनी चाय नहीं पी जाती है, तो मुझे ना कभी कभी होता है कि छोटा कप होना चाहिए, तो ये सही है, मुझे सही लगा। 3 पीस मिल रहे थे। अब खुला लूज में भी आए गेस होंगे, थे मैंने देखे थे लूज में, लेकिन लूज में एक जैसे नहीं थे, वो सारे अलग अलग नज़र आ रहे थे। वो शायद पीसेस कुछ टूट वगैरह जाते होंगे, तो उनको भी सेल करने के लिए वो लोग शायद अलग अलग थे सारे पीसेस उस साइड के ना, तो वो फिर मैंने नहीं लिए। ये सही लगा मुझे। और नोआ के टॉय में डालने के लिए सेल बैटरीज चाहिए थी, 650 ये हैं। इसमें कितने पीसेस पीसेस पीसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीसेस हैं ये। देखिए 450 वाटर कलर्स, ये नोआ के लिए लिए, उसको करना नहीं आएगा आई नो, लेकिन उसका थोड़ा एक एक्टिविटी हो जाएगी, हम लोग खुद करेंगे उसके साथ। और असल में इसलिए भी लिया है कि वो मैं मेकअप कर रही होती हूँ कभी कभी, तो उसको रूम से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। मैं निकालती भी नहीं हूँ, मैं जहाँ खड़ी हूँ अपने कबट से ही कर रही होती हूँ, तो उसको नज़र आता है, उसको भी चाहिए होता है। इससे पहले इसी तरह की चीज़ें मैं ड्रॉ में रखती थी, तो उसको खोलना आ गया। एक दो बार ऐसा हुआ कि उसे निकाल दिया, और फिर सारे ऐसे ऐसे खुरच देते हैं ना बच्चे, या गिर जाता है लेके कहीं भाग रहा होता है तो वो पहले टूट जाता है। तो इस तरह मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया वाटर कलर नोआ के लिए। और ये जब ऐसी भी है कि एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आएगा बच्चों को, तो लाइक घर में कुछ एक्टिविटी हो जाए। और एक पार्सल पैकेजिंग के लिए 250 का ये शॉपर्स का बैग, जो ये थैले होते हैं ना सौदे वाले, ठीक है। और 795 का ये डिज़ाइन, अब ये कहाँ का डिज़ाइन है पता नहीं, पैरों का है शायद, लेकिन फिर उंगलियों का, पैरों की उंगलियों पे क्या डिज़ाइन जाएगा, यह हाथ का है, हाथ का है, तो इसको मैं कट करके लगाऊं, ये तो बहुत देखना पड़ेगा इसको। तो ये स्टेंसिल लिए हैं, एक 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 करके ना मैं जब जाती हूँ कुछ ना कुछ एक स्टेंसिल ले लेती हूँ। और ये इतनी प्यारी शर्ट मुझे लगी, सस्ती लगी, ब्लू जीन, इसका नाम है बीजे, टैग देखें ठीक है। और ये 795 की है, अच्छी लगी, अच्छा मटेरियल, अच्छा स्टफ, अच्छा कपड़ा, ये देखिए जी, जोई फ्रेश, ओके, टॉडलर्स की है ये। देखिए इस पे क्या लिखा है, वाइल्ड एंड फ्री, ओके, ये तो मुझे वो लग रहा है, इनटू द वाइल्ड, नहीं वो नहीं है, उसकी तो बस थी मेरे ख्याल से, आई गेस सो। अच्छा तो ये फुल स्लीव्स की, एसी वगैरह चल रहा होता है घर में रात को सोते हुए, और गर्मियाँ बहुत है, एसी चलाना भी ज़रूरी है, एसी के बगैर मुश्किल है यहाँ पे रहना। तो पंखा भी है वैसे, ऑटो पे कर देते हैं हम एसी, तो पंखा भी स्टैंड वाला फ़ैन है, और पंखे वैसे छत पे तो होते ही नहीं, अगर आप एक्स्ट्रा खुद से प्लम्बर नहीं, इलेक्ट्रिशियन बुला के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अक्सर लोग लगाते हैं यहाँ पर फैंस। और वो हमारे रूम में नहीं है, क्योंकि रूम में टॉप पे फ्लोर पे ना, वो फ्लोर पे कह रही हूँ, सब उल्टा हो रहा है आज तो, रूफ पे बहुत बड़ा सा वो लाइट्स का जो लगा होता है, फानूस का, इनका बल्ब, 5 6 बल्ब वाला, तो वो है, तो डायरेक्ट उसको तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए स्टैंड फैन रखा है हमने। तो ठंड हो जाती है इसलिए बच्चों को ना इस तरह से फुल पैक करके सुलाते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट का भी नहीं लेते बच्चे, जैसे ही डालो ना नुआ को तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, मतलब नींद में ही उसको लगता है कि उसके ऊपर कुछ डाला है। इसलिए मैं बहुत हल्का हल्का सा पेट पेट ढकना चाहिए, क्योंकि गैस वगैरह हो जाती है तो फिर उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है, तो लाइक इसलिए। और ये 10 7 कह रही थी मैं, 10.99 11 दिरहम की ये जीन्स,
जो मुझे सही लगी, अच्छी लगी। जीन्स वगैरह नापने का, जहाँ अगर आप ट्राई नहीं कर सकते, उसका अच्छा तरीका ये है कि आप अपने अब मैं पीछे से कैसे लाऊं, ऐसे ऐसे नापते हैं, एक तरीका ये है। अब आप इसी को फ्रंट से कर सकते हैं, दो तरीका, और एक हाथ हाथ ऐसे फंसा के ना यूं करके भी देख सकते हैं। ये अब जीन्स वगैरह जो भी पैंट आप ले रहे हो तो इसका नापने का तरीका ये है। अगर आप उस वक्त वहाँ ट्राई नहीं कर सकते हो, यहाँ पर ट्राई वगैरह करने की कोई जगह नहीं है। और ये है एंड्रयू चार्ल्स, इसमें देखिए कितनी अच्छी है, अच्छी तो लग रही है। यहाँ से थोड़ी फटी हुई है, और इसका ये बॉटम इस तरह है, यहाँ से भी ऐसी है। मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की जीन्स अच्छी लग रही है। इसके अंदर ना, इस मेरे पास इस तरह की जीन्स है, ब्लैक में भी है, और H&M से ली थी जब बॉयकॉट का सीन नहीं था, 50 dirhams में ली थी, राइट। तो ब्लैक एंड ब्लू दोनों हैं, वो भी इसी तरह रफ एंड टफ फटी हुई जो इसको होती है उस तरह की है, लेकिन उसके अंदर मैं टाइट्स पहनती हूँ। इसे भी पहननी पड़ी, यहाँ ये पॉकेट्स नहीं है, ये सिर्फ फैशन के तौर पर, और बैक साइड पे है पॉकेट्स, पॉकेट्स हैं, राइट। ये हो गया सर्विकल प्लास्टर, नेक पेन एंड मसल्स आर ट्रेस, ठीक है। ये इस तरह से अगर जहाँ आपको पेन महसूस हो आप ये लगा सकते हैं, मैं भी ट्राई करूँगी। और इसकी प्राइस है 550। मेरे ना यहाँ यहाँ और अभी खिंचाव होता है तो मुझे यहाँ लगाना है, इसलिए मैंने लिया। और इसके अंदर एक नहीं है, इसके अंदर पीसेस हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे 10 12 हैं काइंड ऑफ, ठीक है। फाइनली मैंने ये क्रीम ले ली है, फीट एंड हील क्रीम, कुछ ऐसा मसला नहीं है पैर में। फुट मास्क के जो सॉक्स होते हैं प्लास्टिक वाले, वो मैंने शीन से मंगवाए थे, बहुत सारे 100 पीसेस थे, ठीक है। तो उसकी जो क्रीम है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट ये वाली क्रीम यूज़ करें, करके देखें 110 से, और हफ्ते में एक बार ही करूँगी, दो दो बार। मेड इन इंडिया है ये, ठीक है, मेड इन इंडिया। और ये कुछ फ्रेग्रेंस इसका जो है वो UK का है, यूनाइटेड किंगडम, कुछ हाफ एंड हाफ प्रोडक्ट, ठीक है। और यह लाइसेंस होगा थोड़ा बहुत, आधा इनके पास कुछ, इनके पास कुछ चीज़ों का मिक्स करके फिर बनाते होंगे ये यहाँ दुबई के लिए, दुबई वालों की पब्लिक के लिए। तो इसमें उर्दू अरबी भी लिखी है। तो फाइनली फिर मैंने ये एक क्रीम ले ली है, और क्योंकि मुझे मास्क नहीं मिल रहा था, वो बना बना जो मास्क होता है जिसके अंदर मिक्सचर वगैरह भी होता है, वो मास्क मुझे चाहिए ही चाहिए। 10 dirham का मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, 10 11 12 dirham का ही मिले तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है कहीं से तो मैं ये क्रीम लगा के यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं मंगवाऊँगी, मैंने वो देखा है नून पे, क्योंकि मैंने लिया था वो शारजा में जो लुलू हाइपर मार्केट के साथ ही सामने ही गिफ्ट सेंटर है, वहाँ से मैंने लिया था। वहाँ मैं 2 3 बार गई हूँ, मुझे नहीं मिले वो फुट मास्क, नून पे है और शीन पे भी है। और शैम्पू ख़त्म होने वाला था, शैम्पू मैं पैंटीन यूज़ कर रही थी। कंडीशनर ना आपके बालों से और ज़्यादा मॉइस्चर, जो बचा खुचा ऑयल रह गया होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। आपके बाल वक्त तौर पे तो आपको अच्छे लगेंगे, उसके बाद जो है वो बहुत रफ से होने लगेंगे, इसलिए कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ मैं। इससे तो बेहतर है ऑयल करें, ऑयलिंग करें अपने सर में, और फिर 20 मिनट आधा घंटा रख के, या 1 2 घंटा जो भी आपके पास टाइम हो, आप काम वाम कर लें, जो भी घर की साफ़ सफाई करनी हो, फिर उसके बाद शावर ले लें। तो 1 2 घंटा तेल लगा के रखें, फिर शावर लें, बहुत अच्छा सिर्फ शैम्पू से रिजल्ट आ जाता है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे होते हैं। पानी का मसला होता है सिर्फ और सिर्फ, पानी अच्छा नहीं तो कुछ भी कर लें, थोड़े टाइम बाद आपके बाद फिर वही फ्रिजी से हो जाएंगे। तो ये सनसिल्क का येलो सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू, 12 dirhams, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी एंड तक देखी होगी आपने। और अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी है, वॉक थ्रू की भी है, और इस तरह की हॉल वीडियोस भी है। 2024 का फोल्डर अलग है, 2023 और 2 का फोल्डर अलग है, तो आप आ जाकर देख सकते हैं। अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।